गायनेकोमास्टर सर्जरी की प्लानिंग कर ली, अब क्या कट कितना बड़ा होगा, क्या पूरी चेस्ट को निकाल के दूसरी चेस्ट लगा दी जाएगी, या बहुत बड़ा निशान आएगा या बहुत बड़ा कट आएगा जो एक पूरी चेस्ट के अंदर रहेगा। अब जो गायनेकोमास्टर सर्जरी की जाती है उसमें कट बहुत छोटा रहता है एंड उसको फाइन तरीके से सूचर किया जाता है, जिसका स्कार जो है वो नोटिसेबल नहीं होता है। एंड हम सिंगल कट के थ्रू एंटायर फैट और ग्लैंड को रिमूव करते हैं, जिसमें निशान ना के बराबर रहता है, जो हील होने के बाद ऑलमोस्ट दिखाई नहीं देता है। ये कट जो है हम एरियोला और स्किन के जंक्शन पे लगाते हैं, जो कि एक जंक्शन रहता है जो हील होने के बाद बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है। टेक्निक की रिफाइनमेंट से एंड बेटर क्वालिटी सूचर्स और बहुत फाइन तरीके से हम सूचर्स करते हैं, जिससे कोई भी निशान या मार्क फ्यूचर में नहीं दिखाई देता।